क्रॉनिक फटिक सिंड्रोम, ये जो बीमारी है ये मानसिक बीमारी है, और इसका इलाज बिना दवाई का कैसे करना, उसके बारे में मैं आपसे जानकारी अभी आज देने वाला हूँ, आपको जानकारी देता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। काफी सारे लोग जो है वो हमारे पास में नहीं आते, वो इधर उधर जाते रहते हैं डॉक्टरों के तरफ, और उनको अलग अलग बीमारियां रहती है, और उसमें सबसे अहम बीमारी जो है वो है कि थक जाना। शाम को लोग थक जाते हैं, और शाम को मतलब कोई उत्साह नहीं है, शाम को नींद आती रहती है उनको, 5-6 बजे के बाद में ऐसा लगता है उनका कि पूरा जूस निकल गया, गारंटी वारंटी खत्म हो गई, और फिर उनको लगता है कि अभी कुछ काम नहीं करने का है। ज़्यादा शाम को होता है, मगर दिन में भी ये लोग ऐसा बहुत उत्साह से नहीं उठते, उत्साह से काम नहीं करेंगे। ज़्यादातर ये लोग काम की टालम टाल करेंगे, उनको बहुत ज़्यादा जोश नहीं रहेगा काम में, उत्साह नहीं रहेगा, ऐसे कोई नई नई कल्पना से बात नहीं करेंगे या काम नहीं करेंगे, वो एनर्जी तो बिल्कुल ही नहीं रहती। बदन में दर्द है, थकान ज़्यादा है, नींद आती रहती है, ऐसा लगता है उनको कि सोना चाहिए, और बदन में दर्द और सर दर्द, इसके मारे फिर वो बोलते रहते कि हमको दर्द हो रहा है, अभी काम नहीं करना है करके। ये कंटिन्यूस चालू रहता है 2-4 महीने 6 महीने, सब डॉक्टर घूम लेते हैं, वो अलग अलग तरह की जांच कर लेते हैं, और सभी जांच निगेटिव आती है, नील रिपोर्ट आते हैं, और तभी भी उनको बीमारी कायम रहती है। तो फिर कोई बोलता है कि आप टेंशन ले रहे हैं तो साइकियाट्रिस्ट के पास में चले जाओ, फिर लोग हमारे पास में आते हैं, या फिर हमको ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं, नंबर नीचे दिए वहां से वो नंबर लेते हैं और ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं। कुछ लोग खुद भी आते रहते हैं, हमारे यहाँ 2 हॉस्पिटल है जहाँ रिश्तेदारों के साथ रिश्तेदारों के अलावा लोगों को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं। तो कुछ लोग फिर यहाँ आते रहते हैं, मैं हरदम फैमिली के साथ में ज्यादातर बुलाता हूँ लोगों को, ताकि फैमिली का बैकग्राउंड में मालूमात हो सके। एक बार फैमिली का मालूमात हो गया, बैकग्राउंड क्या, टेंशन है, सोर्स क्या है टेंशन का, ऐसा डिप्रेशन उसको क्यों आ रहा है, ऐसे नकारात्मक विचार, नकारात्मक सोच क्यों आ रही है, काम करने की इच्छा क्यों नहीं है, क्या हो गया, बचपन में ऐसा क्या हुआ, क्या हादसा हुआ, कुछ किसने बोल दिया, पिताजी बहुत डोमिनेटिंग थे, वर्चस्व बताने वाले थे, बहुत हावी होने वाले थे, या बहुत गुस्सा करने वाले थे, या और कोई बड़ा घर में ऐसा होगा कि जो डोमिनेट कर रहा होगा, जिसने उसको सेल्फ एक्सप्रेस नहीं होने दिया, उसकी आत्म अभिव्यक्ति नहीं हुई, ऐसा कोई घर में था क्या, घर में इसके ऊपर कोई अत्याचार हुआ, लैंगिक अत्याचार हुआ, या फिर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसा कोई सदमा हो गया, कुछ तो भी ऐसी घटना हो गई, बहुत बड़ा सदमा हो गया, और सदमा उसने मन को लगा लिया, और वहाँ से फिर ये दिमाग में बैठ के फिर तकलीफ चालू हो गई, क्या हुआ, सोर्स देखना पड़ता है। फाइनेंशियल क्या प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है क्या, उसका उसके ऊपर कोई प्यार नहीं करता है घर पे, घर के लोग इसके ऊपर ऐसा लगता है कि प्यार नहीं करते, क्या लोगों के ऊपर ये प्यार नहीं करता है, और फिर जब खुद के ऊपर प्यार नहीं करता, लोगों के ऊपर प्यार नहीं करता, तो बदन में बीमारी शुरू हो जाती है। क्या इसको जिलस है, मच्छर है, द्वेष है इसके साथ में, क्या खुन्नस दिमाग में बैठी हुई है, मतलब क्या चल रहा है भाई दिमाग में, दिमाग ऐसा फ्री क्यों नहीं है, उसका सबकॉन्शियस माइंड जो है फ्री क्यों नहीं है, तो वो हम जानकारी देते हैं, हमारे पास में टेस्ट है, वो हम टेस्ट देते हैं, उसका माइंड एनालिसिस प्रोफार्मा करके एक टेस्ट है, उससे उसका माइंड एनालिसिस करते हैं, उसमें सवाल जवाब है, और फिर उससे हमको पूरी उसकी कुंडली मालूम पड़ती है कि क्या बीमारी है, और वहाँ से फिर उसको काउंसिलिंग करते हैं, मानसोपचार देते हैं, फिर उसको स्वसम्मोहन सिखाते हैं, और हिप्नोथेरेपी से उसका इलाज हम करते हैं। फैमिली के लोगों को बताते हैं कि भी किस तरह से इससे बर्ताव करना चाहिए, क्या किया कि इसका इसकी बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी, का खान पान कैसा अच्छा होगा, काम कैसे करने लगेगा, तो उसको रिवार्ड जो है वो कैसे मिलते जाएंगे, कि रिवार्ड थेरेपी है वो भी हम करते रहते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग टेक्निक उनको सिखाते रहते हैं, और इससे फिर वो धीरे 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 उसमें फ़ायदा होता है, अच्छा हो जाता है। इसमें दवाई बहुत ज़्यादा काम नहीं करती, मतलब है ये डिप्रेशन का एक टाइप, मगर इसमें दवाई बहुत ज़्यादा काम नहीं करती, तभी भी दवाई किसको चाहिए, और बोलता कि नहीं मुझे दवाई चाहिए, तो दवाई भी देते हम, फ्लुओक्सिटिन है, एमिप्रेमिन है, या एमिट्रिप्टिलिन है, या फिर सब अलग अलग तरह के SSRI जो है उसमें से दवाई है, या फिर ड्यूलॉक्सिटिन ये भी काम करती है, तो ऐसे कुछ दवाइयाँ हम देते हैं और उससे भी उसको फ़ायदा होता है। मगर ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि हमको दवाई नहीं होना, दवाई से हमको एडिक्शन हो जाएगा, दवाई हमको ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी, दवाई मत दो, तो फिर उनका इलाज बिना दवाई का भी करते हैं। आप ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लोगों को शेयर करो, ताकि लोगों की बीमारियाँ ठीक हो जाएगी और लोग अच्छा जीवन जी सकेंगे, आप हमारे पार्टनर बन जाएंगे। व्यसन मुक्त भारत और सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य हमारा मिशन है, उसमें आप पार्टनर बनोगे। ये आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, लाइक करो, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करो, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।